क्या यूपी में दो से ज्यादा बच्चे वाले माँ बाप की बढ़ेंगी मुश्किलें? क्या यूपी में दो से ज्यादा बच्चे वाले सरकारी सुविधाओं से होंगे बेदखल? क्या यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून की पहली प्रयोगशाला बनेगी? विकास संतुलित हो, समावेशी हो, और उस समावेशी और संतुलित विकास की दृष्टि से हर एक व्यक्ति को इन योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून लागू करने के बाद अब बारी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की हो सकती है। उत्तर प्रदेश में विधि आयोग ने राज्य में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मसौदा बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। विधि आयोग का मानना है कि 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में भुखमरी और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि को यदि कानून बनाकर रोका नहीं गया तो आने वाले दिनों में बड़ा जनसंख्या विस्फोट हो सकता है। आयोग अगले 2 महीने में अपनी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेगा। अगर ये कानून लागू होता है तो सिर्फ 2 बच्चे वालों को ही सरकारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा और 2 से ज्यादा बच्चों वाले परिवारों को कुछ सब्सिडी से हाथ धोना पड़ सकता है। हमारा ध्यान इस प्रकार है, जो भी सरकारी संसाधन है, जो भी सरकारी सुविधा है, वो उन लोगों को प्राप्त हो जो जनसंख्या नियंत्रित करने में सहयोगी। 70 के दशक में एक नारा गूंजा था, हम दो हमारे दो। तत्कालीन इंदिरा सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए ये नारा दिया था। कहा जाता है कि ये नारा प्रख्यात कवि बाल कवि बैरागी ने दिया था। अब 5 दशक बाद एक बार फिर 2 बच्चा नीति देश की सियासत में लहर पैदा करने जा रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार कुछ विशेष सरकारी योजनाओं का लाभ देने में 2 बच्चा नीति लागू करेगी। किन्तु लाहे लाहे आमी सरकारी सुविधा बिला किन्तु दुटा संतान लेके आमी नमाय नी। ये भी मुमकिन है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के चलते 2 से ज्यादा बच्चे होने पर वोट डालने का अधिकार न मिले और न ही आधार कार्ड बने। जनसंख्या नियंत्रण कड़ाई से लागू करने के लिए पूर्व के इंदिरा सरकार पर भी जबरन नसबंदी करवाने के आरोप लगे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या केवल कड़े फैसलों के जरिए ही जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है और इसके अलावा दूसरा चारा नहीं? देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहां जनसंख्या कानून सीमित तौर पर है, जहां केवल 2 से ज्यादा बच्चे वालों को चुनाव लड़ने से रोक लगाने की बस बात होती है, जबकि देश में तमाम सरकारों का दौर रहा लेकिन अलग अलग कारणों की वजह से जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनाने से वो बचती आई है। जबकि 1976 में संविधान के 42वें संशोधन में इसका प्रावधान जोड़ दिया गया था कि सरकार चाहे तो इस पर कानून बना सकती है। 1976 में संविधान के 42वें संशोधन के तहत 7वीं अनुसूची की 3री सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जोड़ा गया। इसके तहत केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। लेकिन लिफाफे का मजमून देखकर ही इस पर सियासी बवाल मच चुका है। कांग्रेस इसे यूपी के मुद्दों से जनता का ध्यान बटाने वाला योगी सरकार का शगुफा बता रही है। तो वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत यह तय किया जाना चाहिए, यह निश्चित किया जाना चाहिए कि अगर हिंदू 2 बच्चे पैदा करते हैं तो मुसलमान भी 2 बच्चे पैदा करें। लेकिन विधि आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि सरकार यूपी में किसी धर्म विशेष या मानवाधिकारों के खिलाफ नहीं है। कोरोना वायरस की महामारी से देश में त्राहिमाम त्राहिमाम गूंजा। अस्पतालों के बाहर मरीजों का बेड का इंतजार, ऑक्सीजन के लिए एक एक सांस का संघर्ष, तो हेल्थ सिस्टम को कोलैप्स होते देखा। पिछले 70 साल से लेकर मौजूदा हाल तक सवाल उठे कि देश में सब कुछ तो बना लेकिन अस्पताल क्यों नहीं बने। तो सवाल इस तरफ भी उठे कि जनसंख्या के मुताबिक देश में संसाधन कहां तक और कैसे तैयार हों। बहरहाल उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसा लगता है कि यूपी चुनाव में अब जनसंख्या नियंत्रण कानून बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है।